नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं वर्तमान समय में जनपद अयोध्या की सरयू तट पर खड़े हुए हैं। आपको पीछे से ये कुछ कलकल की आवाज जो सुनाई पड़ रही होगी, इससे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज नदियां भी श्रीराम की स्तुति कर कलकल का संगीत उत्पन्न कर रही हैं। आप ये मनमोहक नज़ारा देखेंगे, जैसे कि आप पीछे देखेंगे यहाँ पर स्वर्ण रूप के मंदिर सजाए गए हैं जिनको पीले रंगों से रंगा गया है। हालांकि यहाँ पर शासन प्रशासन के द्वारा तैयारियां बहुत तेज की जा चुकी हैं। 5 तारीख को, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि यहाँ पर भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है और यहाँ पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा। इस समय में हमारे पास यहाँ मौजूद हैं कुछ ऐसे भक्तगण जो यहाँ पर दर्शन करने आए हैं, तो इनसे हम पूछना चाहेंगे, इनसे कुछ बात करते हैं। जी भाई साहब, आप कहाँ से आए हुए हैं? हम सर बाराबंकी से आए हैं। मेरा नाम पुत्तन लाल मिश्रा है। और तो सर, कितने दिन बाद आप यहाँ दर्शन करने आए हैं? कैसी व्यवस्था है? हम साल 6 महीने में जरूर आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने। और ये हाथ जोड़ के हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी आस्था और अपने भगवान प्रभु राम को ना भूलें। जो भूल रहे हैं आप दूसरे, उसको देखिए कि मतलब कि हर आदमी अपने में रमा रहता है, अपने प्रभु में रमा रहता है, लेकिन हिंदू ऐसे हैं कि अपने आराध्य को भूल रहे हैं। ये हम लोगों की बहुत बड़ी कमी है और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे हम हिंदू भाई सब एक होकर के थोड़ा सा अच्छा इस पे कार्यक्रम करें, अच्छा वो दें। मतलब है कि इससे हमारी जो हिंदू मतलब उका करके भूल रहे हैं लोग, संस्कृत भूल रहे हैं, इस पे ये हिंदू भाइयों से रिक्वेस्ट है कि पर थोड़ा सा ध्यान दें भगवान। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर ये जो मंदिर पीछे इस तरह से कलरफुल बनाए गए हैं, कैसा लग रहा है ये देख के? कैसा आपको लग रहा है? मंदिरों का जो सुंदरीकरण हो रहा है और काफ़ी मंदिर ऐसे हैं जो यहाँ पे अभी सुंदरीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मोदी जी के आने से हम लोगों को उम्मीद ये जग रही है कि यहाँ पे बहुत अच्छा होगा और ये कभी बनारस से कम नहीं होगा। एक बार दर्शनीय स्थल बन जाएगा और पूरे विश्व में जो है इसका नाम हो रहा है। अब तो हमको यही लग रहा है कि मंगल भवन है मंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजिर बिहारी, जिससे लग रहा है कि यहाँ का विकास होगा और हम लोगों को जो है पर्यटन स्थल के रूप में यहाँ विकसित करके हमारी सरकार देगी। जैसा कि आपके सहयोगी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर पुराने मंदिरों का भी रखरखाव जरूरी है, तो जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे काफ़ी पुराने मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं। हालांकि ये सिर्फ मंदिर के खंडहर नहीं है, ये हमारी संस्कृतियों के स्मृति चिन्ह भी हैं। ऐसी दशा में सरकार से आप क्या मांग करते हैं और ये क्या चाहते हैं कि उस मंदिर के साथ साथ इनका भी निर्माण कितनी तीव्रता के साथ किया जाए? ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि 500 साल की लड़ाई के बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम सहृदय धन्यवाद देते हैं जिन्होंने राम मंदिर का निर्माण का रास्ता प्रशस्त किया। ये सांस्कृतिक विरासत है, हिंदू आर्य से हिंदू धर्म को जो है यहाँ पे हम लोग आस्था का केंद्र है अयोध्या। और अब कायाकल्प चूँकि मोदी जी और योगी जी से जो हम लोगों को अपेक्षा थी उस पर पूरा खरे उतरे हैं। आगामी 5 अगस्त को जो है मोदी जी आ रहे हैं यहाँ पे, मार्ग मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। दूसरा सबसे बड़ा जो है, हम लोग हर साल हर 6 महीने पर मंदिर अयोध्या आते थे, लेकिन जो आज का माहौल, हर 6 महीने पे आते थे, जितना तेजी वर्तमान समय में आपको दिख रही है, आज तक इतनी तेजी कभी दिखी है? बिल्कुल नहीं, अभी तो पूरा कायाकल्प दिख रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ये हिंदू होने के नाते हम लोगों का खून खौल जाता था कि जो श्री राम, प्रभु श्री राम सबको आवास सबको सुविधा देते हैं वो टेंट में रहते थे, खून खौलता था। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट को सहृदय धन्यवाद देते हैं और आने वाले समय में बहुत भव्य मंदिर का निर्माण होगा और जो हमारी आस्था है उसका मार्ग प्रशस्त होगा। तो जैसा कि देखा आपने, भक्तों की आस्था से जुड़ा हुआ राम मंदिर, ये राम मंदिर जिसका इंतजार लगभग समस्त हिंदू बहुत समय से कर रहा था। जैसा कि आपने देखा, लोगों में आज भी मंदिर के संबंध में बात करने में उबाल आ जाता है और उनके द्वारा ये बताया जाता है कि वो इसका इंतजार कर रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था कि प्रभु श्री राम टेंट में निवास करते थे। तो यहाँ पर जो तैयारी की जा रही है, विशेषतया शासन प्रशासन के द्वारा बहुत तेज़ी से कार्य किया जा रहा है। अभी तक यहाँ पर रंग रोदन आदि का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वर्तमान समय में जो कार्य की गति है बहुत तेज़ है। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें लाइक और फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।